हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड गुड। अगर आप लोग नहीं हो तो प्लीज़ अपना भी ध्यान रखो। बस आप लोग को ना वीडियो का थंबनेल पढ़ के पता लग ही गया होगा कि डेफिनेटली इट इज़ अ हैंडबैग हॉल, जो कि मैं बता देती हूँ कि कैसे मैंने कभी भी हॉल वीडियो बनाई नहीं। आई थिंक इट्स माई फर्स्ट हॉल वीडियो, तो आई डोंट नो कैसी बनेगी। आई ट्राई माई बेस्ट। ओके, तो यार ऐसा हुआ था कि नेक्स्ट मंथ मेरे भैया की शादी है, तो हम ना शॉपिंग के लिए गए थे जस्ट चांदनी चौक, और वहाँ पे मुझे ये शॉप दिखी थी। जैसे ही मेट्रो से बाहर निकलते, आई थिंक आई नीड टू टेल यू कि कहाँ पे, आई डोंट रिमेंबर द गेट नंबर, कि किस गेट नंबर से हम बाहर निकले थे। बट या हम जहाँ से निकले थे वहाँ पे पार्क है, जहाँ पे आई थिंक नेहरू जी का स्टैचू, हाँ नेहरू जी का स्टैचू बना हुआ है। उस पार्क से बाहर निकलते ही ना जस्ट 2 या 3 कदम की दूरी पर ना वो अंकल जो है वो शॉप लगाते हैं, और वहाँ पे सारे पर्सेस थे। और ये मैं एक बार लास्ट टाइम और गई थी मुझे वही शॉप पे, और वहाँ पे ये पर्सेस लाइक आपको ना हमेशा नया नया कलेक्शन वहाँ पे मिलता रहेगा। तो इस टाइम पे जो कलेक्शन था मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और सीरियसली आप लोगों को प्राइस सुन के ना आप लोग जस्ट शॉक हो जाओगे कि इतना सस्ता, लाइक सीरियसली इतना सस्ता, मैं कुछ शॉक हो गई थी। तो ओके, बिना बकवास किए सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं दिखाना। आई वॉन्ट टू शो यू दिस पर्स। या दिस इज़ चॉकलेटी कलर एंड यू कैन सी, लाइक सीरियसली अगर आप ये कहो ना कि प्राइस सस्ता है क्वालिटी अच्छी नहीं है, देन यू आर डेफिनेटली रॉन्ग, बिकॉज इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। पर्स की लाइक क्वालिटी वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, टिकाऊ है, आप लोग को बहुत दिनों तक चलने वाला है। और मुझे ना इस पर्स का लिटरली डिज़ाइन बहुत पसंद आया था। सिंपल है, किसी भी चीज़ के ऊपर चल जाएगा। आप चाहो इसे हैंड बैग की तरह इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो इसमें बेल्ट भी दी है, लाइक बहुत ही, अगर आप लोग कोई इस तरीके से लेना पसंद करता है पर्स को, और किसी किसी को हाथ में इस तरीके से रखना पसंद होता है, तो ये आपकी चॉइस है। लाइक मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया है कि इतने कम प्राइस में आपको इतना अच्छा पर्स मिल रहा है। और इस पर्स का प्राइस आपके अकॉर्डिंग कितना होगा पहले मुझे कमेंट में बता देना, उसके बाद में बताती हूँ। लाइक यू विल नॉट बिलीव कि दिस इज़ ऑफ जस्ट ₹200, लाइक सीरियसली जस्ट ऑफ ₹200 का ये पर्स है। लाइक अगर हम ऑनलाइन भी देखें ना यार, तो ₹200 में आपको पर्स मेरे हिसाब से हैंड पर्स नहीं मिलने वाला, वो भी इतना अच्छा, और क्वालिटी वाइज भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइक टिकने वाला है, इतना तो मैं श्योर हूँ कि टिकाऊ है। ओके, नेक्स्ट इज़ दिस, नेक्स्ट पर्स इज़ दिस, दिस इज़ लिटरली, ये ना मैंने आई थिंक ये 2 या 3 पर्स लिए हैं, क्योंकि मेरी बुआ ने भी एक लिया है इसमें का पर्स, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस टाइम ट्रेंड में आप लाइक हैंडबैग की तरह यूज़ कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, इट्स टोटली योर चॉइस। और क्वालिटी वाइज अगर हम बात करें तो ये भी बहुत अच्छा है। इसका प्राइस मैंने मीशो पे देखा था, अगर मुझे मिलेगा तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे कॉर्नर पे मैं दिखा दूँगी आपको। इसका आई थिंक 300 से ऊपर था, 300 और 400 के बीच में इसका प्राइस था मीशो पे। इट वॉज फैंटेस्टिक यार, और इसका प्राइस भी आप सुनकर शॉक हो जाओगे, इट इज़ जस्ट ऑफ ₹200, कैन यू बिलीव, लाइक सिर्फ 200, मतलब मैक्सिमम पर्सेज इसमें 200 के ही हैं। ओके, तो मुझे मतलब मुझे ना कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आपको इनमें से कौन सा पर्स ज़्यादा पसंद आया है। ओके, ये हो गया इज दिस चार्ल्स एंड कीट का, ये मैंने ना मीशो पे भी देखा है, और फ्लिपकार्ट पे भी मैंने इसके पर्सेस देखे हैं। लाइक ठीक है, कम रेंजेस के होते हैं, बट लिटरली आई जस्ट लव इट। लाइक इसे मेरे हिसाब से ना हैंड बैग से ज़्यादा ये इस तरीके से लेने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसकी जो चेन है, लाइक आई डोंट नो वाई, बट लिटरली आई एम इन लव विद दिस ऑल बैग्स, लाइक मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं सारे बैग्स। ये कुछ इस तरीके से है, और ये ऐसे कलर्स हैं ना कि आप इन्हें हर ड्रेस के ऊपर वियर कर सकते हो, ये इस टाइप के कलर्स। पर्सेस लिए हैं आई थिंक मैंने 7, हाँ 7 पर्स लिए हैं, तो उसमें 7 मतलब जितने भी पर्स मैंने लिए हैं सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। यू कैन लिटरली सी, आप देखने से भी आप देख ही सकते हो कि इसकी क्वालिटी वाइज भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा, लाइक टिकाऊ है। मेरे लिए मैक्सिमम क्वालिटी वाइज अगर मैं कहूँ तो वो चीज़ टिकाऊ होनी चाहिए, जो कि डेफिनेटली ये पर्सेस सारे के सारे टिकाऊ हैं अच्छे खासे। और देखकर के आई हूँ ना, मुझे वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं मुझे तो प्यार हो गया यार इन सबसे। ओके, और लिटरली ये तो मैंने खुद के लिए पर्सनली रख ही लिया है, क्योंकि मुझे ये चाहिए, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था जस्ट बिकॉज वन थिंग, कि इसका जो ये जो चेन है वो इस टाइप की है, यू कैन सी। ओके, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। नॉर्मली अगर आप ना कोई सस्ता पर्स लोगे, लाइक चीप प्राइस का पर्स लोगे ना, तो उसमें आपको ये चेन जल्दी नहीं मिलती है पर्सेज में, सस्ते पर्स में मुझे तो खास करके नहीं मिलती है। मैक्सिमम सस्ते पर्स में ना आपको ये बेल्ट टाइप में दिख जाएगी,
ठीक है, तो मुझे ये पर्स इसलिए पसंद आया था क्योंकि लुक वाइज भी अच्छा था, ब्लैक कलर मुझे पसंद आया था। आप किसी भी चीज़ के ऊपर इसे वियर कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो वियर इट एज लाइक योर चॉइस कि आप इसे कैसे वियर करना चाहते हो। आई लिटरली लव द क्वालिटी ऑफ ऑल दी पर्सेज, और अभी तक मैंने जितने भी पर्सेज दिखाई है सब 200 के हैं। ये पर्स भी सिर्फ 200 रुपीज़ का है एंड क्वालिटी इसकी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं तो इसे पक्का रखने वाली हूँ, ब्लैक वन है यार, सब पे चल जाएगा। मैंने मैक्सिमम जितने भी पर्सेज लिए हैं वो सारे ऐसे कलर हैं कि आपकी सारी ड्रेसेस पे चल जाएंगे, और ब्लैक तो खास करके ऐसा ही होता है कि वो हर ड्रेस पे चल जाता है। और मुझे ये पर्स सीरियसली बहुत ज़्यादा पसंद आया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चेन, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ नेक्स्ट वन इज दिस। ये भी सेम, मतलब जैसे ये ब्लैक वाला है, जैसे ये ब्लैक वाला है सेम उसी में का है, ये दूसरा कलर है लाइक यू कैन सी, ये आई थिंक पीच कलर का है। हाँ, दिस इज़ ऑफ पीच कलर, यू कैन सी। बहुत ज़्यादा खुश हुई सारे पर्सेस लेकर के यार। आई थिंक मुझे शॉप खोली है, कोई ये मत बोलना कि क्या आपको शॉप ओपन करती है जब इतने सारे ले आए। आई थिंक काम के लिए सारी, ये मैंने अभी ओपन नहीं किया बिकॉज जस्ट ऑफ सेम ये वैसे ही, जैसे ब्लैक वन था वैसे ही पीच कलर का था, सेम वही एक रेड वन भी है सेम ऐसे। ये पर्स सच मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो इसमें के मैंने 3 ले लिए थे। ओके, दिस इज़ पर्सनली मैं बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे ये वाला पर्स, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका डिज़ाइन यू कैन सी, जो इसका डिज़ाइन है लाइक बहुत ज़्यादा पसंद आया यार मुझे सारे पर्सेज में, क्या बताऊँ मैं, प्यार हो गया है मुझे इन सबसे। इसमें भी इस टाइप का बेल्ट दिया हुआ है, ये भी सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये का है। यू नी बिलीव ये सारे के सारे पर्सेज 200 रुपये के हैं। इट इज़ नॉट ब्लैक, आई थिंक ये चॉकलेटी कलर है या राइट चॉकलेटी कलर, आई डोंट नो कि कैमरे में आ रहा है या नहीं, बट दिस इज़ ऑफ चॉकलेटी कलर जो कि मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा पसंद आया है। पसंद तो मुझे सारे आए, मैं सारे पर्सेज में बोल रही हूँ, डेफिनेटली पसंद आया तभी तो लिया है यार। वन इज़ माई फेवरेट जो कि भी ट्रेंड में चल रहा है वो है ये। आई नो बहुत लोगों ने ये देखा होगा, और इससे ना मैंने ऑनलाइन भी देखा बहुत सारी वेबसाइट्स पे, तो किसी भी वेबसाइट पे ना ये वाले बैग जो थे ये 300 से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं, जो कि कैन यू गेस ये मुझे कितने का मिला होगा। दिस इज़ ऑफ जस्ट रुपीज़ 250 or 200, आई थिंक या 250 or 200, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट प्राइस, इतने सारे थे मैं शायद भूल गई हूँ, बट हाँ 250 or 200 इतने का ही होगा। और मैंने जितने वेबसाइट्स देखे थे उसमें 300 या 350 से नीचे का तो यार किसी पे था ही नहीं, तो यार मैं इसे कैसे मिस आउट कर सकती थी, लाइक इसे मैं नहीं लेती, ऐसा हो नहीं सकता था। और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मैं ना सरोजनी गई थी 2.5 या 2 महीने पहले, वहाँ पे मैंने इसका प्राइस पता किया था, तो ये 350 का था, और सीरियसली कहीं पे भी 350 से कम करने का नाम ही नहीं ले रहे थे यार कि 350 से नीचे का कर दे। और जब मुझे दिखाना चाहने चौक में वहीं पे, ये सब एक ही शॉप से हैं, सारे के सारे जितने इसके पहले मैंने जितने भी पर्सेज दिखाए हैं सब के सब 200 रुपीज़ के थे, ओनली दिस इज़ ऑफ जस्ट रुपीज़ 250 में भी। तो ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, बट इसकी भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने जब इसे लिया था मैंने इसे वहीं पे वियर कर लिया था। वैसे मुझे ज़्यादा हैंडबैग यूज़ करना पसंद नहीं है, मैं कहीं भी जाती हूँ तो हैंडबैग्स मैं बहुत ही ज़्यादा रेयर यूज़ करती हूँ, तो इस वजह से। बट ये सारे के सारे ये मत सोचना कि मैं रखने वाली हूँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बट हाँ इसमें से ये तो पक्का मैं रखने वाली हूँ, बाकी और मुझे कमेंट में बता देना कि मुझे कौन सा रखना चाहिए। हाँ मैं ना शायद एक चीज़ बताना भूल गई, आप लोगों को ये लगता है कि हमेशा क्वालिटी अच्छी मिलती होगी, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इससे पहले जब मैं गई थी तो मैंने उसी शॉप से मैंने एक पर्स लिया था जिसकी क्वालिटी सीरियसली इतनी ज़्यादा बेकार थी, मेरे पैसे वेस्ट चले गए थे, लाइक भले वो उस टाइम पे वो पर्स भी 200 का ही था या 200 or 250 का था, मुझे इतना याद नहीं है, मैंने अगस्त के टाइम पे लिया था, और उसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा बुरी थी ना, लाइक उसे सिर्फ एक बार यूज़ किया था, वही मैंने यूज़ नहीं किया था, मेरी फ्रेंड ने यूज़ किया था फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम पे वो हल्का सा खिंचा था और जस्ट उस वो ना अलग हो गया था, लाइक उसकी सिलाई अलग हो गई थी। लेट मी शो यू, दिस इज़ द पर्स, और हाँ ये रहा, ये रहा, जस्ट सी लुक एट दिस, ये यू कैन सी, तो ये अलग हो गया था, तो इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इसमें मेरे पैसे वेस्ट चले गए। हाँ लुक वाइज ये भली अच्छा लग रहा था, मैं इसे जुगाड़ में मैं इसे सिल लूँगी या मैं इसे सही कर लूँगी, यूज़ तो मैं इसे करूँगी, मैंने अभी तक इसे यूज़ नहीं किया एक बार भी, पैसे अपने वेस्ट नहीं जाने दूँगी मैं। बट मैं एक बात बता रही हूँ कि अगर आप लोग ले रहे हो तो प्लीज़ चेक करके लो कि क्वालिटी कैसी है। मैंने तो इसलिए सारे पर्स ले ली क्योंकि मेरे साथ मेरी बुआ थी और मम्मी थी,
तो अच्छे से चेक करके लिया था कि हाँ क्वालिटी वाइज सब अच्छे हैं या नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं उठा लिया। अगर सस्ता मिल रहा है तो प्लीज़ ये चीज़ मत सोचना कि सस्ता है तो यार ठीक है उठा लेते हैं, नहीं सस्ता भी मिल रहा है ठीक है उसमें यार पैसे लग रहे हैं, तुम्हें 100 रुपये भी लग रहे हैं तो वो चीज़ देख करके लो कि हाँ वो चीज़ सही है या नहीं। होप यू ऑल लाइक द वीडियो, सो यार प्लीज़ यार डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, भूल जाते हो आप लोग द कमेंट सेक्शन दैट आपको वीडियो कैसी लगी, आपको ये वीडियो पसंद आई या नहीं, और आपको इन सारे पर्सेज में से कौन सा पर्स सबसे ज़्यादा पसंद आया। भाई मुझे तो आई एम श्योर अबाउट इट कि मुझे ये तो पक्का चाहिए, इसमें से आई थिंक मैं ये ब्लैक वन ये भी मैं पक्का रखने वाली हूँ अपने पास, तो इन दोनों के लिए तो मैं श्योर हूँ। बाकी अगर आप लोग को लगता है कि मुझे कोई और से पर्सेज रखनी चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड ऑफ कोर्स गाइस टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।